Okay, students, so we have already learned the differences between living and non-living things, right? Living और non-living के बीच में जो differences हैं, वो तो आप लोगों ने सीख लिया, right? कि living things जो हैं, वो खुद से चल सकते हैं, living things जो हैं, उन्हें सांस लेने के लिए air की जरूरत होती है, living things जो हैं, उन्हें food की जरूरत होती है, living things जो हैं, वो grow करते हैं, living things जो हैं, वो अपने जैसे बच्चे यंग वंस पैदा करते हैं, राइट? दूसरी तरफ नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ये चीजें नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार ही हो तो कार को हमें खुद से हमको चलाना पड़ता है, कार खुद ब खुद नहीं चलेगी, है ना? आगे हम लोग जो है एक और चीज सीखेंगे, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड थिंग्स। जितने भी ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन नॉन लिविंग थिंग्स में भी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो सब के सब नेचुरल हैं। ये प्लांट किसने बनाया है? इंसान ने नहीं बनाया है। किसने बनाया ये? नेचर ने। ये एनिमल किसने बनाया? एग्जैक्टली, नेचर ने। ये ट्री? नेचर ने। बर्ड्स? नेचर ने, राइट? स्नेल? नेचर ने बनाया इन चीजों को। साथ ही साथ जो है नॉन लिविंग थिंग्स में भी कई चीजें हैं जो कि नेचर ने बनाई है। ये रॉक्स यहाँ पर है, किसने बनाया? ये नेचर ने बनाया ना। तो इस हिसाब से और कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम इंसानों ने भी बनाई है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हम इस कार को ही देखें, चेयर को देखें, टेबल को देखें, इस डॉल को देखें, एक टॉय को, तो सारी चीजें जो है वो किसने बनाई है? ये ह्यूमंस ने बनाई है ना। तो इस तरह से जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, वो या तो नेचुरल हैं या फिर ह्यूमन मेड हैं। या तो नेचर ने खुद ब खुद बनाई है उन्हें, या फिर हम इंसानों ने बनाया है उन्हें। थिंग्स सच एज द सन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड वाटर आर फाउंड इन नेचर। तो चीजें जैसे कि सूरज, पौधे, जानवर, पानी, ये सब कहाँ मिलते हैं हमें? ये सब हमें नेचर में मिल जाते हैं, राइट? तो नेचर से जो चीजें हमें मिली हैं, जो नेचुरली हमें मिल गई हैं, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स कहते हैं। ऑलराइट, नाउ सम थिंग्स सच एज क्रेयॉन्स, टॉयज, बुक्स एंड क्लोथ्स आर मेड बाय पीपल। तो कुछ चीजें जैसे कि क्रेयॉन्स है ना, यहाँ पर टॉयज, ये बुक्स, ये क्लोथ्स, ये सब किसके द्वारा बनाया गया है? दीज आर मेड बाय पीपल। ये लोगों के द्वारा बनाया गया है, राइट? दे आर कॉल्ड ह्यूमन मेड थिंग्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? ह्यूमन मेड थिंग्स। ह्यूमन मतलब हो गया इंसान, तो इंसान के द्वारा बनाई गई चीजें, राइट? तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, दे कैन बी लिविंग और नॉन लिविंग। और इसके अलावा हम ये भी ऐसे भी बांट सकते हैं दैट दीज थिंग्स कैन बी नेचुरल और ह्यूमन मेड थिंग्स। तो चलिए पहले अभी इस चैप्टर को हम लोग जो है एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो जितनी भी थिंग्स हैं हमारे इर्द गिर्द में, ये थिंग्स जो है इनको हम बांट सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। लिविंग थिंग्स जो है दे नीड फूड एंड वाटर, इन्हें जो है फूड और वाटर की जरूरत होती है। दे ब्रीद, ये सांस लेते हैं, ये मूव करते हैं, ये ग्रो करते हैं, और इनके छोटे बच्चे होते हैं, राइट? हैव यंग वंस। नॉन लिविंग थिंग्स जो है दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, इन्हें फूड एंड वाटर की जरूरत नहीं होती है। डू नॉट ब्रीद, ये सांस नहीं लेते हैं। Do not move, ये इधर से उधर खुद से नहीं जाते हैं। Do not grow, ये छोटे से बड़े खुद ब खुद नहीं होते हैं। Do not have young ones, ये अपने जैसे बच्चे नहीं पैदा करते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर हमने देखा कि हमारे आसपास की जो चीजें हैं, इन्हें हम दूसरे लेवल पर भी बांट सकते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल मतलब ऐसी चीजें जो कि हमें नेचर में मिल जाती हैं, और ह्यूमन मेड जो कि इंसानों के द्वारा बनाई गई है, राइट? तो ये हमारे पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिकॉल हो गया कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, इन्हें हम
लिविंग और नॉन लिविंग में बांट सकते हैं, या फिर इन्हें जो है हम नेचुरल एंड ह्यूमन मेड में बांट सकते हैं। नेचुरल मतलब थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर, और ह्यूमन मेड मतलब थिंग्स दैट आर मेड बाय पीपल, राइट। नेचुरल मतलब वो चीजें जो कि हमें प्रकृति में मिल जाती हैं, और ह्यूमन मेड थिंग्स मतलब ऐसी थिंग्स जो कि इंसानों ने बनाई है। ऑलराइट, तो चलिए ये चैप्टर पूरा आपने समझ लिया। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू रिव्यू द चैप्टर एंड एक्टिविटीज। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन में। बाय बाय।